डियर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्तुल के डिस्ट्रिक्ट और यहाँ का समंदर आपको दिखाते हैं और आपके काम की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं एज यू कैन सी ये ब्यूटी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद पढ़ने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक खास स्कॉलरशिप लेकर आया ये सबान जी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है सबानजी यूनिवर्सिटी इस्तंबोल में एशियन साइड पर वाले है ये स्कॉलरशिप 25 परसेंट और 100 परसेंट भी है सिर्फ 30 डॉलर में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपने खुद अपने क्रेडिट कार्ड से यूनिवर्सिटी को पे करना है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट के टैब पर क्लिक करेंगे और कैसे अपना स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं यहां पर स्कॉलरशिप्स में चले जाइए जब आप स्कॉलरशिप्स को ओपन करेंगे तो जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले आपने देखना है कि एप्लीकेशन की डेडलाइंस क्या है ताकि आपको पता हो कि आप इन टाइम एप्लीकेशन को प्रोसेस करने जा रहे हैं इसका प्रोसीजर यह है कि आप सबसे पहले एक लॉग बनाते हैं उस लॉग के बाद आप थर्टी यूएस डॉलर फी है थर्टी यूएस डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन पांच हजार से कुछ कम बनते मेरे ख्याल से ये बहुत कम पैसे हैं जिसमें आप अगर एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं अगर आपको मिल जाता है तो तमाम तर ताली अखराज इवन स्टे भी बाज कंडीशन में यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा सो so, इतने पैसों का रिस्क लिया जा सकता है एप्लीकेशन डेट 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है और अगस्त की 5 2021 तक ये ली जाएंगी शाम चार बजे टर्की टाइम के हु कैन अप्लाई इसकी डिटेल आप देखते रहिएगा तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज से लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये डिटेल्स आप देख सकते हैं फिर इसमें एक्सेप्टेबल एग्जाम्स और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खासतौर पे मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊं आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और यहां पे क्लिक करें जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट देगा कि कौन कौन से एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ये एक्सेप्ट करते हैं यहां पर आप फाइन में लिखें पाकिस्तान जब आप पाकिस्तान लिखेंगे तो ये देखें हमारे यहां सिर्फ एफ चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है टू ंडर ग्रेजुएट लेवल और इसमें एट्टी परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए एफ एस सी में जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है इससे पहले जो स्कॉलरशिप मैंने आपको दिखाया था उसमें आपने देखा था कि बास फील्ड में नाइन्टी परसेंट रिक्वायरमेंट थी इसमें एटी परसेंट रिक्वायरमेंट है सो so, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इस यूनिवर्सिटी में हमारी एजुकेशन एज इट इज एक्रीडेट कर ली जाती है कोटास के हवाले से जरूर जानिएगा कि इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंस प्रोग्राम की सौसठ है आर्ट्स सोशल साइंस प्रोग्राम की सत्तर हैं मास्टर प्रोग्राम की सत्तर सीटें हैं यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आपको ले जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं तो उससे पहले ये लॉगिन क्रिएट करने का तरीका है यहाँ अपना नाम लिखिए लास्ट नेम लिखिए ई मेल कंट्री ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करें हाई स्कूल का नाम लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पर ई मेल सबमिट करेंगे जब आप सबमिट करेंगे तो आपके ई मेल पर एक लिंक आएगा जो एक्टिवेशन लिंक होगा आपका लॉग इन बन जाएगा इसके बाद आप अपना नाम फादर्स नेम और जो जरूरी डिटेल्स हैं वो आपसे मांगेगा और आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल होकर सबमिट हो जाएगी इसके साथ आपको क्या चाहिए आपके एफ़ का डिप्लोमा डिप्लोमे की कॉपी चाहिए ज़ाहिर है वो आपने अपलोड करनी है इसके अलावा आपको अगर ग्रेजुएट है तो जाहिर है कि जो बाकी की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं या ये घबराना नहीं है इंग्लिश नोटराइज फलाना फ़लाना अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इनको फर्दर ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं आप सिंपली स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं अच्छा जी उसके बाद एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको रिकमेंडेशन लेटर के बारे में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप रिकमेंडेशन लेटर अपने टीचर से ले सकते हैं इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये जरूर बताया है कि कौन कौन से कोर्सेज अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया हुआ है तो वेल एंड गुड अगर नहीं किया हुआ तो ये देख लें कि एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है यूनिवर्सिटी बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच टर्म तो अभी इसकी जरूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए आपको सो so, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आपका ये एग्जाम जब स्केजल्ड होगा तो उसी एग्जाम को आप दे देंगे वो एक इंग्लिश का सादा सा इम्तिहान होता है जिसे हमारे स्टूडेंट बड़ी आसानी से क्लियर कर जाते हैं और जाहिर है रेजिडेंसी परमिट ये अभी आपके पास नहीं होगा आप सिंपली अप्लाई करेंगे ये उनके लिए है जिनके पास सिटीजनशिप या रेजिडेंसी ऑलरेडी है और नॉन टर्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद आपको असेसमेंट कमेटी असेस कर लेगी और उसके बाद स्कॉलरशिप्स के लिए डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हैं इट इज़ वेरी सिंपल स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स क्या है एक बार देख लीजिएगा स्कॉलरशिप जो आपको ऑफर किए जाएंगे ये ऑफ द ट्यूशन फी इवन हंड्रेड परसेंट फ्री भी हैं ये आगे मैं इनकी डिटेल अब आपको देने जा रहा हूं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जरा देखिएगा यहां पर स्कॉलरशिप्स की ये डिटेल आ जाती है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप और कितने स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे सबसे पहला साकिब सबान जी स्कॉलरशिप है और इसमें आप कभी देखेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तीनों तरह के स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं अगर आप आ, अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सिमिलरली इसके बाद सबांजी स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप में पांच स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसमें हंड्रेड परसेंट ट्यूशन वेवियर है हंड्रेड परसेंट फ्री स्कॉलरशिप है सो ये मिल सकता है इसके अलावा हाजी सबांजी स्कॉलरशिप है जो कि आपको जीपीए जिसे आप कहते हैं एंड टर्म में यानी आपका जो सीजीपी है अगर वो 3.5 पॉइंट मेंटेन हो गया तो आपको 9 महीने के लिए 500 सौ टर्कश लीरा बुक सपोर्ट के लिए और 400 सौ टर्कश लीरा आपको स्टाइपेंड मनी दी जाएगी तो टोटल 900 सौ टर्कश लीरा आपको पर मंथ देखिए 100 परसेंट फ्री पड़ रहे हैं और 900 लीरा महीने का आपको मिल रहा है वहां पर जो आपके अखराजात होने हैं उसके लिए फिर तुर्कान सबानजी स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप 2.5 जीपीए मेंटेन करने वालों को दिया जाएगा और ये स्कॉलरशिप पांच सौ लीरा नौ महीने के लिए पे किया जाएगा आपके कोर्स के द्वारा इसी तरह आपके पास सुजान सबानजी स्कॉलरशिप है जो कि बेसिकली जीपीए जी थ्री के ऊपर अवार्ड किया जाता है सात सौ पचास टर्स फॉर नाइन मंथ इसके अलावा सबानजी वक्फा स्कॉलरशिप है जो कि 2.5 पॉइंट जीपीए के ऊपर जी आपको दिया जाता है जिसमें 25 परसेंट ट्यूशन फी की एग्जामिशन हैं। हा जरूरी बात ये देख लीजिएगा कि इसमें आपके पास जो ऊपर वाला स्कॉलरशिप था डोमेट्री भी आपको फ्री है यानी रिहायश दाखला और 750 लीरा आपको पर मंथ दिए जा रहे फिर हमारे पास तंजिले स्कॉलरशिप है तंजिले अर्दान स्कॉलरशिप है तंजिले अरदान स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा जो 2.5 पॉइंट जीपीए को मेंटेन करेंगे और ये 700 सो लीरा है विद डॉमेट्री डबल रूम डायमेट्री में आपको स्टाइप सात मिल रहा है हॉस्टल के पैसे वो दे रहे हैं और नौ महीने तक ये स्कॉलरशिप चलेगा फिर आयशे गुल स्कॉलरशिप है आयशे गुल स्कॉलरशिप 2.5 के लिए है द ट्यूशन फी एग्जामेशन डॉमेट्री भी आपको फ्री यानी स्टे भी फ्री मिल रहा है इसके ये एक स्कॉलरशिप है इसके अलावा महमद जोरलु स्कॉलरशिप है और महमद जोरलू स्कॉलरशिप चार सौ पचास टर्किश लीरा का है इसके अलावा ये एक ही यूनिवर्सिटी है जो सारे स्कॉलरशिप दे रही है आपको आपके पास दिवाक स्कॉलरशिप है जिसमें आपको 400 सौ टर्किश लीरा दिए जाएंगे और 500 सौ लीरा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 400 सौ टर्किश लीरा जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए दिए इसके अलावा मंथली फाइनेंशियल एड ये नीड बेस के पर होती है आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप उनको बताते हैं कि अब आप अफोर्ड नहीं करते तो वो आपको नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप इसके अलावा है सो आप देखें इस यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सहूलियात आपको मिल जाती है इक्वलेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है टर्की में डैंकलिक कहलाता है इसको डैंकलिक बोला जाता है बड़ी आसानी से मिल जाता है पाकिस्तानी तमाम क्वालिफिकेशन एग्रीगेट की जाती हैं फिर आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो जाएंगे और फिर वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे एक छोटा सा आइडिया है कि आप अपनी मर्जी की ग्रेजुएशन कर सकते हैं यहाँ यह भी बताते चला जाऊं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप्स हमारे पास प्रो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हैं और पीएचडी के लिए भी हैं आप अपना जो डिजायर डिसिप्लिन है उसे सर्च करें उसके आगे स्कॉलरशिप्स देखें अप्लाई करें मेरा ख्याल है कि पांच हजार में ये बुरी डील नहीं है और ये पैसे अपनी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देने किसी कंसल्टेंट को नहीं देने अगर आपको इन स्कॉलरशिप्स के बारे में कोई भी चीज पूछनी है किसी भी चीज की डिटेल जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमारी टीम आपके सवालों के जवाब देगी इटली में जो स्कॉलरशिप आ रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सो स्टे ट्यून हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूरोप भर से आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप बर वक्त अप्लाई कर सके थैंक यू हम नए से नया स्कॉलरशिप लेकर आपकी खिदत में हाजिर होते रहेंगे और इन ये सीरीज चलती रहेगी ंटिल हम आपको आपकी राय यूनिवर्सिटी में पहुंचा दें अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल बेलाइकॉन के बटन को जबाना मत भूज